गरोब क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गरोब से सटे गांव खड़ावदा, जिसमें नकली नोट छापने का कारोबार चल रहा था और नोट खपाने का कार्य भी चल रहा था। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी महेंद्र तारिनकर ने पुलिस थाना गरोब में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया और बताया कि नकली नोट छापने के गिरोह का भंडाफोड़ गरोब पुलिस ने किया है। गरोब थाने के एएसआई अर्जुन सिंह परिहार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नकली नोट छापने वाले गिरोह के यहां दबिश दी, जहां पर कचरोलाल पिता जेतराम मेघवाल ग्राम पंचायत अलहेल हाल मुकाम खड़ावदा शरीफ पिता मोहम्मद सलीम निवासी सातखेड़ा को पकड़ा। इनसे सख्ती से पूछताछ करने पर अपने साथी मंगल पिता रामलाल बागरी निवासी खड़ावदा, ईश्वर पिता रामचंद्र मेघवाल निवासी खड़ावदा व अनिल पिता राजू चौहान जाति नेट निवासी खड़ावदा के मिलने पर उसके कब्जे से एप्सन कंपनी का प्रिंटर तथा दोनों की तलाशी पर मंगल की पेंट की जेब में से 100 रुपए की गड्डी 7,000 रुपए तथा ईश्वर मेघवाल की तलाशी लेने पर ईश्वर की पेंट में से 100 रुपए की नोट की गड्डी मिली, जिसको चेक करने पर एक एक ही सीरियल के कहीं नोट थे, जिसकी गिनती करने पर 6,600 जब्त किए गए, जिसमें एक आरोपी अनिल फरार चल रहा है। कुल कार्रवाई में 25,200 रुपए के नकली नोट रंगीन प्रिंटर जब्त किए गए हैं। फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उप कार्रवाई में थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय, सहायक उप निरीक्षक अर्जुन सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र दशरथ मालवीय, अनिल यादव, इरफान आरक्षक गौरव सिंह, दिलीप जाट, कृष्ण पाल, अजय मेढा का सराहनीय योगदान रहा। बापूलाल गांधी की रिपोर्ट। सर, नकली नोट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 29/7/21 को हमारे यहाँ एक एएसआई पदस्थ है अर्जुन सिंह, उनको मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, क्या नकली नोट से संबंधित कोई व्यक्ति जो है नोट तैयार करता है और वो नोट मार्केट में चलाता है। इस सूचना पर बहुत कम समय की सूचना थी, इस सूचना पर उससे चर्चा की गई और चर्चा अनुसार फिर आगे की कार्रवाई के लिए मौके पर टीम हमारी पहुंची। ग्राम खड़ावदा करके एक पास में ही गांव है, उस खड़ावदा में नदी के किनारे एक रोड बना हुआ है, उस रोड पर हमारी टीम पहुंची। जो भी हमको सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना के आधार पर उन लोगों को हमने पकड़ा, तो मौके से हमें दो लोग पकड़ाए, एक तो कचरूलाल पकड़ाया था और दूसरा पकड़ाया शरीफ। तो ये दो लोग जो मौके से पकड़ाए, तो इनकी तस्दीक की, इनका चेकिंग की, जामा तलाशी की, तो उसमें हमको नोट प्राप्त हुए। उन नोट के परीक्षण के समय प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट नकली है, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है। एक तो पेपर से समझ में आता है, दूसरा पानी में कलर छोड़ने से समझ में आ रहा था। इन चीज़ों को चेक किया और फिर उन दोनों को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उनसे पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उन्होंने अन्य और दो लोगों का नाम बताया, तीन लोगों का नाम बताया था, उसमें से दो लोगों को हमने और राउंड अप किया है, जिसमें मंगल और ईश्वर करके है, उनको भी राउंड अप किया है। तो कुल मिला के ये अभी तक की प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में हमने FIR किया है 489 क और ख के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और साथ ही साथ धारा 34 भी लगाई है इसमें, क्योंकि चार लोग हैं अभी। और ये जो प्रिंटर जो हमने प्राप्त किया उनसे, तो इस प्रिंटर के बारे में पूछताछ की, तो प्रारंभिक में ये मालूम पड़ा है कि ये प्रिंटर जो है शामगढ़ से ख़रीदा है और 2 महीने पहले ख़रीदा है, ऐसा आरोपी का कहना है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। बाद में और भी प्रकाश में आएगा कि ये प्रिंटर कब ख़रीदा था, किस समय ख़रीदा, इस प्रिंटर की क्या वैल्यू है, इस प्रिंटर में किस प्रकार के नोट बनाते थे वो, किस प्रकार का कागज़ का इस्तेमाल किया जाता था और किस प्रकार मार्केट में ये नोट चलाते थे, ये अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर, अभी कितने नोट पकड़ाए गए हैं? अभी टोटल 25,200 इन लोगों से जब्ती हुई, चारों से। पृथक जब्ती जो है हमने प्रेस नोट में आप लोगों को दी है कि किन किन लोगों से कितनी जब्ती हुई है और किस सीरीज के नोट जब्त हुए हैं। हाँ, 250 के नोट। सर, कितने समय से चला आ रहा था ये? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में 2 महीने का आया है, फर्दर मालूम पड़ेगा क्या और कितने समय से चल रहा था ये काम और कैसे चल रहा था ये काम, और इसमें बैंक की भी मदद लेंगे और FSL की भी मदद लेंगे, जहाँ पर ये नोट चेक होता है, चेक होने के बाद सारी जानकारी प्राप्त होती है तो वहाँ से भी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है। और प्रिंटर आरोपी कचरूलाल की। फरार आरोपी का? हाँ, अभी फरार आरोपी में हम लोग अभी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन है हमारा।
अब पूछताछ के दौरान हमको और भी मालूम पड़ेंगे उन लोगों को। कितने आरोपी फरार हैं? अभी पूछताछ में चल रहा है।